ना उन मेलों के तलबगीर हैं जिनमें नकली तीर खेले जाते हैं, ना उन मेलों के तलबगीर हैं जिनमें नकली तीर खेले जाते हैं। हम तो उन तूफानों के बाशिंदे हैं जहां पर तूफानों में भी दिए जलाए जाते हैं। नमस्कार, मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। डेली सुबह के करंट अफेयर आप लोग देख रहे होंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एग्जाम इंजन एप्लीकेशन भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर अभी तक ऐसा आपने नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेली के जो करंट अफेयर के फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ हैं आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस बार दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही आप परचेज कर पाओगे मंथली करंट अफेयर की मैगजीन। जी हाँ, ये ई मैगजीन अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि वो आपको फायदा देती है, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो उसके बाद हम उसकी हार्ड कॉपी भी निकाल देंगे 1 जनवरी से, मतलब नए साल से। चलिए, फिलहाल यहां पर इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। पिछली क्लास में मेडिवल हिस्ट्री की हम लोग बात कर चुके थे, अब यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। 1707 से लेकर 1947 की टाइमलाइन के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और फैक्ट्स हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि टाइमलाइन की क्लास है इस वजह से इतिहास की कहानियों पर नहीं जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे दिमाग से तेज धावी छात्र हमारे बीच में हैं जो कि बार बार कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं। ये इतने मेधावी हैं जो कि हमेशा ये लिखते रहते हैं कि सर वही क्लास लेकर बार बार आ जाते हैं। तो तुम्हारा दिमाग तो गोल है ही है, तो उस गोल दिमाग के अंदर थोड़ी सी चौकोर चीजों को भी शामिल करना सीखो। क्योंकि दिमाग अगर जब गोल हो जाता है ना तो बिन पेंदी का लोटा हो जाता है, कभी भी इधर भी ढुनकेगा, कभी उधर ढुनक जाता है। तो उसको संभालो, थोड़ा सा नीचे से चौकोर करो, तब जाकर उसमें बारीकी आएगी। आप क्लासेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ थंबनेल से निकाल लोगे या उससे आप केवल समझ लोगे और क्लासेस के अंदर जाके तो तुमने कंटेंट कभी पढ़ा नहीं है तो तुम इस बात को बोल पा रहे हो। अभी भी आज की क्लास आप देखोगे, आप में से एक भी बंदा ये नहीं बोल पाएगा कि इससे पहले मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी। तो वही कह रहा हूं, जबान पे एक चीज होती है जो दिखती नहीं है, जो है लगाम। इसलिए उतना ही बोलिए जितना आपको सूट करता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम लोग औरंगजेब तक पहुंच गए थे और अब औरंगजेब के बाद यहां से आगे बढ़ेंगे, 1707 की कहानी शुरू होगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। सारा हिंदी में नहीं लिखूंगा क्योंकि एसएससी वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी नहीं समझते हैं, दूर दराज से हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हिंदी वीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई यहां पर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा वर्ष है जब से मुगल काल का फॉलन स्टार्ट हुआ, मतलब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। तो मुगलिया सल्तनत का फॉलन यहीं से स्टार्ट हो गया, 1707 से डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, यहां से इनका ग्राफ गिरना शुरू हो गया। अब 1708 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और गुरु गोविंद सिंह आपसे पूछ लेता है कौन से सिख गुरु थे, तो ये 10वें सिख गुरु थे। कौन से? 10वें सिख गुरु, और आखिरी सिख गुरु भी थे। क्योंकि सिख धर्म के अंदर कितने गुरु हुए हैं? 10 सिख गुरु हुए हैं। इसके बाद 1712 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1712 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इस टाइम पर औरंगजेब को सक्सीड करते हैं कौन? ये है बहादुर शाह फर्स्ट। बात आ गई समझ? जैसे कि 1857 में मंगल पांडे वाली क्रांति में आप जिक्र देखते हो बहादुर शाह जफर सेकंड का, वैसे ही औरंगजेब के बाद ये भी एक मुगलिया बादशाह थे जिन्होंने औरंगजेब की जगह ली थी, जिनका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। इनका देहांत हो जाता है तो यहां पर लिख लो डेथ ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। बात आ गई समझ? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मेरी आपको एडवाइस है कि आप लोग कॉपी पेन खोल के उसे लिख लीजिए, कहीं पर भी इसके लिए फिर बाद में जाके पेड कोर्स ज्वाइन करोगे और पैसा दोगे, उससे अच्छा है मुफ्त में मिल रहा है। सारी चीजें लिखते जाओ, आपके नोट्स बन जाएंगे जैसे ही क्लास खत्म होगी। तो जो आपने मिडवेल में किया था वही इसमें भी कर लो, फायदा आपको मिल जाएगा।
1712 के बाद सीधे आ जाते हैं कार्नेटिक वॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से ऐसे लाइन खींच दो। चलिए कार्नेटिक वॉर से पहले एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, 1739 में, 1739 में भारत में, या आप बोल सकते हो दिल्ली पे आक्रमण किया किसने? नादिर शाह ने। किसने? नादिर शाह ने। तो आपसे एक क्वेश्चन भी बहुत बार बन चुका है कि नादिर शाह ने भारत में आक्रमण कब किया था, या दिल्ली के तख्त पर आक्रमण कब किया था। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली के तख्त पर आक्रमण किया था। एक सवाल और पूछता है कि नादिर शाह कहां से आया था, तो ध्यान रखना यह फारसी था। कौन था? फारसी था, पर्सिया से आया था, पर्सिया से, ठीक है। आप में से कोई बता सकता है कि नादिर शाह कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? आंसर करो जरा, देखें कितना दम है, किसमें कितना दम है, आंसर करो जरा। नादिर शाह कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? जल्दी से आंसर करो। कोई आइडिया नहीं है आपको? नो। इसकी जो डायनेस्टी है इसको बोलते हैं अफशरीद डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? अफशरीद डायनेस्टी, अफशरीद डायनेस्टी इस वंश से बिलोंग करता था। और ये 1739 में भारत में आक्रमण करता है और भारत से क्या लूट कर ले जाता है? तख्ते ताउस, तख्ते ताउस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मयूर सिंहासन। क्या बोलते हैं इसी को? मयूर सिंहासन। तो आप देख रहे हो नादिर शाह से कितने क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन ये कि कौन से वर्ष में आक्रमण किया, 1739 में, आपको पता है। एक क्वेश्चन ये कि ये कहां से आया था, ये फारसी था तो फारस से आया था। और तीसरा क्वेश्चन ये कि ये कौन से वंश से बिलोंग करता था, ये अफशरीद वंश से बिलोंग करता था। और ये भारत से क्या चुरा कर ले गया था? ये मयूर सिंहासन ले गया था भारत से चुरा कर। मयूर सिंहासन की जर्नी कुछ इस तरीके से रही कि जो तख्ते ताउस है इसको किसने बनाया था? इसको शाहजहां ने बनाया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। मयूर सिंहासन को ये यहां से चोरी करके ले जाता है, और कहां ले जाता है? तुर्क ले जाता है। अब ये तुर्क पहुंच जाता है, ये पूरा सोने का सिंहासन होता है, इसमें कोहिनूर हीरा लगा होता है। अब टर्की में आगे चल के मॉडर्न टाइम पे आप देखोगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो वहां पे शासन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उससे हीरा निकाल लिया और सिंहासन वहीं छोड़ दिया। तो आज की डेट में जो मयूर सिंहासन है, जो वो सोने का पूरा बना हुआ है, वो तुर्क में है, और कोहिनूर तो आपको पता ही है इंग्लैंड में है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं कार्नेटिक वॉर्स की। आपसे कार्नेटिक वॉर्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कार्नेटिक वॉर, अब ये कार्नेटिक वॉर क्या थे, इनके पीछे की कहानी क्या थी, वो यहां पर नहीं हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ इससे बनने वाले जो टाइमलाइन में क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं फटाक से। देखिए कार्नेटिक वॉर कितने हुए थे, तो ध्यान रखना है आपको, कार्नेटिक वॉर तीन हुए थे। कितने? तीन वॉर हुए थे, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है ये कब से कब तक हुआ, कोई बता सकता है? चलिए मैं ही बता देता हूं, ये 1746 से लेकर 48 तक हुआ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है ये 1749 से लेकर 54 तक चला। और जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है ये 1756 से लेकर 63 तक चला। अब सवाल कैसे बनते हैं ये समझना। सवाल ऐसे पूछता है कि ये जो तीनों कार्नेटिक वॉर हैं इनमें एक एक युद्ध हुए, और आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन सा युद्ध पहले कार्नेटिक वॉर में हुआ था, या चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा युद्ध तीसरे कार्नेटिक वॉर में हुआ था। तो बस ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ सेंट थॉम। जो दूसरा कार्नेटिक वॉर है इसको बोलते हैं बैटल ऑफ अंबुर, बैटल ऑफ अंबुर। और जो तीसरा कार्नेटिक वॉर है इसी को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ वांडीवॉस, बैटल ऑफ वांडीवॉस। कोई समस्या तो नहीं? अब तो आप नहीं भूलोगे, क्लियर है। कभी कभी आपसे एक सवाल और पूछता है, सवाल यह पूछता है कि कार्नेटिक वॉर्स का रिजल्ट क्या निकल के आया। तो कार्नेटिक वॉर्स का रिजल्ट यह निकल कर आया कि यहां पर अंग्रेजों का उदय हुआ,
अंग्रेजों का उदय, ठीक है, और फ्रांसीसियों का पतन हुआ, फ्रांसीसियों का पतन हुआ, इसमें बात आ गई समझ। तो फ्रांसीसी यहां पर इन तीनों कार्नेटिक वॉर की वजह से जो फ्रांसीसी हैं वो फ्रांसीसी बिल्कुल बैकफुट पे धकेल दिए गए, और इनको बोला गया कि तुम केवल पुडुचेरी तक ही रहोगे, उसके बाहर नहीं निकलोगे, उसके बाहर निकले तो फिर समझ लेना क्या होगा। तो इनके साथ वही वाली स्थिति थी, अंग्रेजों ने कहा अब कौनो ना बोली, और अगर तुम बोली तो फिर चली गोली। तो इस वजह से ये कंक्लूजन आपको ध्यान रखने हैं यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, कार्नेटिक वॉर के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि आपसे पूछ देता है 1781 के बारे में। अब हुआ क्या था ऐसा 1781 में, तो ध्यान रखना 1781 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम पूरे तरीके से खुल गया था, कहां पर? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। हालांकि इससे पहले जब यह बन रहा था तो इसकी इंपॉर्टेंस दिखने लगी थी। क्यों दिखने लगी थी? क्योंकि 1773 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का प्रावधान चालू हुआ था, और उससे पहले गवर्नर जनरल वो केवल गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाता था। मेरी बात को समझना, यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बंगाल पर सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने शासन किया, ठीक है। बंगाल एक ऐसा प्रोविंस था जहां पर इन्होंने सबसे पहले सक्सेशन किया। तो बंगाल में जो भी शासन करता था, यहां पर अपनी छावनी को रोकने के लिए इन्होंने फैसला लिया कि हम एक फोर्ट बनाएंगे, एक किला बनाएंगे। अब इस किले पे आकर जो बैठेगा उसकी मान्यता है, एक इंपॉर्टेंस है। तो ये व्यक्ति क्या कहलाता था? ये व्यक्ति कहलाता था गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या कहलाता था? गवर्नर ऑफ बंगाल। कब से कब तक ये गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाया? तो ध्यान रखना, ये कहलाया 1758 से लेकर 1772 तक गवर्नर ऑफ बंगाल, और 1773 से 1773 से यही गवर्नर ऑफ बंगाल क्या कहलाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कहलाने लगा। बात आ गई समझ। आपको वायसराय वाला प्रावधान तो पता है, मुझे पता है ये चीज, ठीक है। वायसराय का तो सबको पता है कि 1858 से वायसराय का प्रावधान आ गया, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से भी पहले ये क्या कहलाते थे? ये केवल गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाते थे, और ऐसा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से इसीलिए स्टार्ट हो जाता है कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता है। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? आपको क्लियर हो रही है सारी बातें जो मैं कह रहा हूं यहां पर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो यहां पर तीन चीजें आपको और ध्यान रखनी है, ओके। 1800 के आसपास ये आपसे कई बार पूछी जाती है, ये चीजें क्या क्या है इनको समझो। 1781 में फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी गई। अब 1800 में क्या हुआ? 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब करी गई? सन 1800 में करी गई। कहां पर करी गई थी? कलकत्ता में करी गई थी, तब यह कोलकाता नहीं कहलाता था। इसके बाद 1803 इंपॉर्टेंट है। 1803 में ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता के अंदर राजभवन की स्थापना करी। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राजभवन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राजभवन इन कलकत्ता। और 1806 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1806 में ब्रिटिशर्स ने अपने लिए एक बैंक की स्थापना कर दी, क्योंकि लगातार भारत को लूटते चले जा रहे थे। अब ये पैसा भी तो रखने के लिए मैनेजमेंट होना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया? 1806 में एक बैंक की स्थापना करी, और इसका नाम क्या रखा गया? बैंक ऑफ बंगाल। क्या नाम रखा गया? बैंक ऑफ बंगाल। यही बैंक आगे चलकर क्या बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। क्या बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसी के बाद ये आगे चल के 1955 में क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, SBI। तो जिन लोगों को ये लगता है कि SBI केवल 1955 के आसपास से है, दरअसल SBI की रूट 1806 तक है। 1806 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसी वजह से SBI को स्वदेशी बैंक के नाम से नहीं जाना जाता है,
क्योंकि इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा खोला गया था। भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा है? यह है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में करी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और आगे बढ़ा जाए धीमे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए, कई बार आपसे पूछ देता है कि बंगाल के अंदर सती रेगुलेशन कब आया था, सती सिस्टम को खत्म करने के लिए। इस टाइम पर सती प्रथा अपने चरम पर चल रही थी। मतलब कहने का, सती सिस्टम का यह है कि अगर किसी भी पुरुष की मृत्यु हो जाती है उसकी शादी के बाद, तो जो उसकी पत्नी है उसको भी उसकी चिता में जिंदा बैठा दिया जाता था, और वो भी उसी के साथ जल जाती थी। तो यह सती प्रथा को खत्म करने के लिए सती रेगुलेशन एक्ट आया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है, और यह कब आया? यह 1829 में आया, सती रेगुलेशन एक्ट, सती रेगुलेशन एक्ट, यह कब आया? 1829 में आया, क्लियर। इस पर भी थोड़ी सी नजर रखना आप। इसके बाद 1857 की क्रांति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1857। अब इससे जम के क्वेश्चन बनते हैं। 1857 की क्रांति, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? पहली चीज तो यह आपका रिवोल्ट है, विद्रोह है 1857 का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के महानायक कौन थे? ये थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है। इसी में आपसे पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने, या फिर 1857 की क्रांति का पहला विरोध कौन से दिन हुआ था? तो पहला विरोध हुआ था 29 मार्च 1857 को, और 29 मार्च के बाद 6 अप्रैल 1857 को इन पर कोर्ट मार्शल चलता है, और इसी के दो दिन के बाद 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी जाती है, ठीक है। मंगल पांडे की क्रांति से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइम पर जो राइफल यूज हो रही थी, जो कि अपने आप में मुद्दा बनी थी इसका, ठीक है, ये राइफल का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, ये थी एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल इसका नाम था। और इसी में जो कारतूस का यूज किया जा रहा था, जिन्हें मुंह से खोलना अनिवार्य था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया जा रहा था। इस वजह से यह विद्रोह फैलता है, और इसका रिजल्ट क्या है आपको पता ही है। अब देखो और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनके लीडर से क्वेश्चन बनते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत तो मंगल पांडे ने करी, लेकिन उत्तर भारत में कई और जगहों से यह क्रांति पनपी। जैसे कि आपसे पूछ देता है लखनऊ में लीडर कौन थी, तो आंसर होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया लखनऊ से। कानपुर से आपको पता होना चाहिए, नाना साहिब ने विद्रोह किया। कालपी से किसने विद्रोह किया? तात्या टोपे ने विद्रोह किया। कालपी हो गया। और बिहार से आपसे पूछ देता है, यहां पर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद से किसने विद्रोह किया? इलाहाबाद से तो लियाकत अली ने विद्रोह किया था। इलाहाबाद से कौन? लियाकत अली। इसी में आपको दिल्ली भी पता होना चाहिए कि दिल्ली से विद्रोह किसने किया? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकेंड ने विद्रोह किया था। अगर आपसे पूछे बरेली से किसने विद्रोह किया, बरेली से बता सकते हो? मैं बता देता हूं, मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया बरेली से। अगर मैं आपसे कहूं फतेहपुर से किसने विद्रोह किया, तो आंसर बता सकते हो? फतेहपुर से। अभी कुछ टाइम पहले करंट अफेयर जब बोल्ड पे आके करा रहा था, तब भी मैंने आपको पढ़ाया था। बताइए फतेहपुर से किसने विद्रोह किया था? पक्का?
इनका कहना है, कारगिल का कहना है, इनका कहना है कार्नेटिक वॉर समझ नहीं आया है सर। समझ कैसे आएगा बॉस, कार्नेटिक वॉर तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, मैंने तो टाइमलाइन बताई है ना, तो उसमें कुछ समझ आने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। फतेहपुर से अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान। और बरेली से मौलवी अहमदुल्ला नहीं है, बरेली से मौलवी अहमदुल्ला नहीं है। कोई बता सकता है कौन है? खान बहादुर खान। ठीक है, खान बहादुर खान। तो ये आपसे क्वेश्चन बनते हैं 1857 की क्रांति से। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को फर्स्ट नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट किसने कहा है? फर्स्ट नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट मतलब भारत का पहला आजादी का मूवमेंट किसने कहा है? वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बाद आपको ध्यान रखना है। अच्छा, टाइमलाइन में दो तीन चीजें और कवर कर लेते हैं 1700 में। ठीक है, क्या क्या चीजें? जैसे कि आपको पता होना चाहिए 1757 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। क्योंकि कार्नेटिक वॉर के चक्कर में ये तो हम लोग भूल ही गए थे, कार्नेटिक वॉर भी साइमल्टेनियसली हो रहे थे। बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन लोग लड़े थे? तो ध्यान रखना, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और नवाब ऑफ बंगाल इस टाइम पे कौन था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल को जीतती है और सिराजुद्दौला की मौत होती है। 1761 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था? कोई बता सकता है? मराठा साम्राज्य का फेमस युद्ध है, बताओगे आप? देखे, कोई बता सकता है? तो 1761 क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपसे पूछा, बोलो भाई। कोई है चीता हमारे बीच में जो आंसर कर सके? 1761। रुचि कुमारी आंसर सही है, शैलेश कुमार का भी आंसर सही है, बिल्कुल सही। 1761 में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। वो भी कौन सा? थर्ड। किसके किसके बीच में हुआ था ये? मराठा साम्राज्य और अफगानों के बीच में हुआ था। और अफगानों की तरफ से कौन था? ये था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो ये जिस डायनेस्टी से बिलोंग करता था उसको बोलते हैं दुर्रानी अंपायर। क्या बोलते हैं? दुर्रानी अंपायर। तो दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना इसी के द्वारा करी गई थी, अहमद शाह अब्दाली के ही द्वारा। और इस बैटल का रिजल्ट क्या हुआ? अब्दाली इस बैटल को जीता था। 1761 के बाद एक और बैटल आपको ध्यान रखना है, 1764। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था मुगल, अवध। ठीक है, मुगल और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये सब मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे, लेकिन इस बैटल को जीतता कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस बैटल को जीतती है।
तो ये तीन बैटल आपको ध्यान रखने हैं, 1757 इंपॉर्टेंट, 61 और 64। कोई समस्या तो नहीं आ तक? वैसे अभी जो हम लोगों ने कार्नेटिक वॉर में देखा, जो तीसरा बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है कार्नेटिक वॉर का, जिसे बैटल ऑफ वांडीवॉस बोलते हैं। तो अगर कभी भी आपसे पूछ दे कि बैटल ऑफ वांडीवॉस कब हुआ, तो ये यही हुआ था, इसके बीच में ही 1760 में हुआ था बैटल ऑफ वांडीवॉस। ठीक है, अभी आपने जो थर्ड कार्नेटिक वॉर लिखा है उसकी टाइमलाइन इसी के बीच में ही तो लिखी हुई है। आपने थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या लिखा है, 1756 से लेकर 63 तक चला ना, तो उसी के बीच में ये हुआ था बैटल ऑफ वांडीवॉस। आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग लोड मत लेना, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग बिल्कुल भी लोड मत लेना जो मुझसे पहले से पढ़े नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कार्नेटिक वॉर पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाता हूं बैच के अंदर, यहां पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो एक घंटा उसी में लग जाएगा पूरा वांडीवॉस और अंबुर में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहले हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, हम लोग पहुंच गए थे 1800 कुछ तक, इधर चल रहे थे ना हम लोग, हाँ 1857 पे हम लोग बात कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं इसी के, 1857 के बाद 1862 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1862। ये आप बताओगे कि 1862 क्यों इंपॉर्टेंट है, बताइए 1862 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1862 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1862 में ऐसा क्या हुआ, बताइए, एनी आइडिया? नहीं तो फिर मैं तो हूं ही बताऊंगा ही, आप ट्राई करो अगर आपको याद आ रहा हो तो। 1862 क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए, नहीं आ रहा है याद में, याद आ गया है कुछ लोगों को, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। अच्छा पक्का? मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था, 62 में नहीं आया था, 1861 में आया था वो, 1862 की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। चले मैं ही बता देता हूं, 1862 आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे हाईकोर्ट हो गया, मद्रास हाईकोर्ट हो गया और कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, इन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना यहीं पर करी गई थी 1862 में, और इसके लिए 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था। क्या आया था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। तो अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट के लिए एक्ट पहली बार कब आया था, तो 1861 में आया था और उसी के अगले साल तीनों हाई कोर्ट्स की स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद 1865 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना करी गई। किसकी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना करी गई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद बैंक। 1865 के बाद 1883 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1883 में रिपन के द्वारा एल्बर्ट बिल लाया गया था, एल्बर्ट बिल, यह बिल वही बिल है जिसके तहत एल्बर्ट लॉर्ड रिपन यह चाहता था कि भारत के अंदर अभी तक जो न्यायपालिका हुआ करती थी, उस न्यायपालिका में अगर किसी भी भारतीय के ऊपर केस चलता था, ठीक है, तो उसमें जो जजेस का जो ज्यूरी पैनल हुआ करता था वो ब्रिटिशर्स का रखा जाता था। मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर किसी भी भारतीय व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है तो जितना भी ज्यूरी पैनल बैठेगा, जितने भी जज बैठेंगे, वो सब ब्रिटिशर हुआ करते थे, और अगर ब्रिटिशर के ऊपर चल रहा है तब तो वो रहेंगे ही रहेंगे। तो एल्बर्ट बिल के तहत ये प्रावधान लाने की बात चल रही थी कि अगर किसी भी भारतीय के ऊपर केस चलाया जाए तो जजेस में से कुछ जजेस की संख्या इंडियंस जजेस में से होनी चाहिए। लेकिन इसका विरोध होता गया और ब्रिटेन से पूरे तरीके से इसको खारिज कर दिया गया और यह पूरे तरीके से अप्लाई नहीं हो पाया था। इसके अलावा 1883 आपके लिए एक और तरीके से इंपॉर्टेंट है, रिपन के ही द्वारा एजुकेशन काउंसिल की स्थापना करी गई थी। किसकी? एजुकेशन काउंसिल की। और एजुकेशन काउंसिल का मेन उद्देश्य यह था
कि पूरे भारत भर में भारतीयों को भी उच्च शिक्षा का प्रावधान मिलना चाहिए। ठीक है, एक और चीज, एजुकेशन काउंसिल की जो स्थापना करी गई थी, इसका एक और उद्देश्य था कि इस तरीके की शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो पूरे भारत भर में हर तरीके की सर्विसेज में परीक्षा दे पाए। साथ ही में अभी तक भारतीयों को डी ग्रेड और सी ग्रेड की नौकरी मिला करती थी, लेकिन इसमें यह बात कही गई कि अब से उन्हें ए और बी ग्रेड की नौकरी के लिए भी आवेदन करने दिया जाए, लेकिन यह भी फ्लॉप शो रहा, किसी ने कुछ माना नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब 1885 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885, 1885 में किसकी स्थापना हुई? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। ठीक है, सवाल ये उठता है कहां पर करी गई, तो प्लेस या वेन्यू इसका क्या था? बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, किसके द्वारा करी गई थी? तो इसके फाउंडर के रूप में दो लोगों को जाना जाता है, एक तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, क्या नाम है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और दूसरे व्यक्ति दादा भाई नेहरोजी, दादा भाई नेहरोजी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंग्लिश पर्सन थे और दादा भाई नेहरोजी भारतीय, आपको पता ही है। यहीं पर एक चीज आपको और बता देता हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन है या फिर ये भारतीय क्रांतिकारी कौन है जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये दादा भाई नेहरोजी ही हैं, इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब देखो, कांग्रेस से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था, क्योंकि वायसराय का प्रावधान आ चुका था, तो इस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? तो ये कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन इस टाइम पर भारत का वायसराय था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो लगातार 4 साल 4 मीटिंग हुई, इन मीटिंग्स को भी यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। पहली मीटिंग 1885 में हुई जब कांग्रेस की स्थापना हुई, दूसरी 1886 में हुई, तीसरी 1887 में हुई और चौथी 1888 में मीटिंग हुई। इनके वेन्यू आपको ध्यान रखने हैं और इनके लीडर्स आपको ध्यान रखने हैं। जो पहली मीटिंग हुई तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि कांग्रेस की स्थापना कहां हुई, बॉम्बे में हुई ना कांग्रेस की स्थापना, तो पहली मीटिंग भी वहीं हो जाएगी, तो बॉम्बे में पहली मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग हुई कलकत्ता में, तीसरी मीटिंग हुई मद्रास में और चौथी मीटिंग हुई आपकी इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में। ठीक है, पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? ये करी व्योमेश चंद बैनर्जी ने। किसने? व्योमेश चंद बैनर्जी ने। दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? दादा भाई नेहरोजी ने, दादा भाई नेहरोजी। और तीसरी मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? बद्रुद्दीन तैयब जी ने, बद्रुद्दीन तैयब जी। और चौथी मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? जॉर्ज यूल ने करी। क्वेश्चन कैसे बनाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे बनाएगा और इनको आपको समझना पड़ेगा कैसे ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ देता है, एक तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा वेन्यू के बारे में कि पहली मीटिंग कहां पर हुई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बॉम्बे में हुई थी। ये क्या हो गया भाई? बराबर आ रही है ना आवाज सभी को? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाता है, आपसे पूछ देता है पहली मीटिंग कहां पर हुई थी, तो आपको पता होगा बॉम्बे में हुई थी। पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? व्योमेश चंद बनर्जी ने करी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? बद्रुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर क्या होगा? जॉर्ज यूल थे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कांग्रेस के बाद यहां तक कोई समस्या तो नहीं? किसी को कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से, टाइम ज्यादा नहीं लेना है। कोई समस्या है यहां तक तो आप बताइए। सॉर्टेड है, आगे बढ़ा जाए। आ,
आज तो घनी गर्मी हो रही है एसी के बिना यहाँ पे। हाँ खैर, लेकिन उतनी भी नहीं है। डन है, आगे बढ़ जाएं। चलिए ठीक है। अब देखो, आपसे पूछ देता है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में सूखा कब पड़ा था? तो सन 1900 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फेमाइन, भारत में सूखा आ गया था, मतलब जमीनें बंजर होने लगी थी, बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है ना, लगान वाला टाइम पीरियड चल रहा था। अब जब 1900 में देख लिया गया कि सूखा आ गया है, इस तरीके से नुकसान हो रहा है, तो 1901 में ही क्या एक्शन लिया गया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, एक नया विभाग स्थापित किया गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विभाग की स्थापना करी गई। तो ध्यान रखना, भारत में पहली बार कृषि विभाग की स्थापना कब करी गई थी? 1901 में करी गई थी। अब 1905 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1905 में क्या हुआ? बंगाल पार्टीशन हुआ। क्या हुआ? बंगाल पार्टीशन। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन समझो। देखो हुआ क्या था कि 16 जुलाई को यह अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि आने वाले 16 अक्टूबर को, मतलब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के दो हिस्से कर दिए जाएंगे, और एक हिस्सा कहलाएगा ईस्ट बंगाल और एक हिस्सा कहलाएगा वेस्ट बंगाल। ऐसा ही किया भी गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के दो हिस्से कर दिए गए और एक कहलाया ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा कहलाया ढाका, और जो वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा था यह कहलाया कलकत्ता। ठीक है, बाद में आज की डेट में आपको बताइए, ये वाला हिस्सा बांग्लादेश बन गया है और ये वाला हिस्सा तो भारत का पश्चिम बंगाल है ही है। क्लियर है यहां तक? अब देखो हुआ क्या, जब ये अनाउंसमेंट किया गया था, ओके, जब ये अनाउंसमेंट किया गया कि बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को, तो इसी के दौरान क्या हुआ, अगस्त के ही महीने में, 1905 की बात हो रही है, अगस्त के ही महीने में एक क्रांतिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था, एक मिनट रुको, जिनका नाम था SN बैनर्जी। क्या नाम था? SN बैनर्जी, पूरा नाम है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इनके द्वारा कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई जाती है और इसमें जितने भी भारत के बड़े लीडर्स थे, कांग्रेस लीडर्स थे, उन सभी को बुलाया जाता है और उनसे ये रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप ब्रिटिशर्स की मंशा को समझो, ये अंग्रेज हमें तोड़ना चाहते हैं, ये गोरे चाहते हैं कि हम जमीनों के आधार पर बढ़ जाएं पूरे भारत में, तो इनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है, वो जो कर रहे हैं 16 अक्टूबर को उन्हें करने दो, लेकिन हम भी कुछ करेंगे। और क्या करेंगे हम? तो इन्होंने कहा कि हम 16 अक्टूबर के दिन रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएंगे, रक्षाबंधन दिवस के रूप में। ये रक्षाबंधन वो वाला नहीं है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ये रक्षाबंधन दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिशर्स हमें तोड़ना चाहते हैं, तो इसी दिन हम रक्षाबंधन दिवस मना के उनको अपना भाईचारा दिखाएंगे, अपनी इंटीग्रिटी रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है यहां तक? एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने यहीं से एक मूवमेंट लॉन्च किया था और इस मूवमेंट का नाम क्या था? स्वदेशी मूवमेंट। क्या नाम था? स्वदेशी मूवमेंट। तो जो स्वदेशी मूवमेंट है यह कब से स्टार्ट हुआ? यह भी 1905 से ही शुरू हुआ। और स्वदेशी मूवमेंट का मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि जितना भी अंग्रेज यहां पर बना रहे हैं, जैसे कि रेशम का कपड़ा बना रहे हैं, साबुन तेल मंजन ये सब खुशबूदार बना रहे हैं, इन सभी प्रोडक्ट को हमें नहीं खरीदना है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी ही ऑप्ट करना है, हमें अपनी बनी हुई प्रोडक्ट्स को ही खरीदना है, अपनी बनी हुई चीजों को ही यूज करना है। यह इसका मेन उद्देश्य था, क्योंकि जब हम उनकी बनाई हुई चीजों को यूज नहीं करेंगे तो वो पैसा कैसे कमा पाएंगे, और पैसा नहीं होगा तो हम पर रूल कैसे करेंगे। सॉर्टेड है यहां तक? क्लियर है सभी को? आज 11 बजे क्लास होनी थी और वो क्लास टेक्निकल इश्यू की वजह से उस टाइम पे जब नहीं हो पाई तो दो तीन स्टूडेंट यहां पे आके गाली बकने लगे
कमेंट सेक्शन में अब्यूज़ करने लगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल भी रहे थे कि अब्यूज़ मत करो, गाली मत दो। तो देखिए, गाली चिपक नहीं जाती है, गाली तो दुनिया देती है, सबको देती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुझे जलन में भी गाली देते हैं, लेकिन उनसे मैं कुछ नहीं कहता। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप ये जो आपकी फितरत है ना, इस फितरत को बदल दो। ये फितरत इतनी नुकसानदायी है कि मैंने लोगों को देखा है, आपकी जो ये फितरत है ना, आगे चल के आप अपने माँ बाप को भी गाली देने लगोगे। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आपके अंदर धैर्य नहीं है और आपको परफेक्शन चाहिए जीवन में, जबकि आपको ये पता है कि आप ही परफेक्ट नहीं हो। जब आप खुद परफेक्ट नहीं हो, उसके बाद आपको परफेक्शन कैसे चाहिए जीवन में। और कल को यही आदत इस तरीके से बढ़ जाती है कि आपके माता पिता अगर आपको कोई चीज देने में देरी कर देते हैं तो आप उन्हें भी गरियाने लगते हो और पूरा मोहल्ला आपका खड़ा होकर तमाशा देखता है। सभ्य बनो। सबसे पहले नौकरी नहीं, सबसे पहले आचरण चाहिए। नौकरी के लायक तुम होगे तो नौकरी खुद मिल जाएगी। तुम्हारे ही जैसे वो कपूत होते हैं जो आगे चल के माँ बाप को अपने घर आते हैं। इन चीज़ों को अगर बदल सकते हो तो बदल लो, नहीं तो मुझे क्या है, मुझे तो कोई गाली चिपक नहीं रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्यार बहुत सारा चिपक जाता है जितना भी मिलता है और दूसरे स्टूडेंट से। बाकियों को नहीं कहता हूँ, लेकिन आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट हो, ठीक है। क्योंकि मैं तो ये चीज़ नहीं भुगतूंगा, ये चीज़ आपके माँ बाप भुगतेंगे। और कहीं ना कहीं मैं तो यह भी कहूँगा कि उनकी परवरिश में भी कमी रह गई, कि तुम जैसे कपूत को जन्म दे दिया, कि जो जहाँ पे आके सीखते हैं वहीं पे आके गाली भी बकते हैं। हमने तो अपने जीवन में जिससे भी पढ़ाई ली उनको मास्टर जी ही बोला, और देखते ही हाथ पैर सुन्न हो जाया करते थे, वो रास्ता ही बदल देते थे उन्हें देख के। गलती किसी मास्टर की नहीं है, गलती है तुम्हारी परवरिश की। जब तुम छोटे थे ना तो बाल पकड़ के चार झापड़ मारे होते तो आज बिल्कुल कायदे से और सही आचरण के साथ होते, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारे हाथ में सब कुछ तुम्हें मिला ना, जिसकी वजह से आज तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। कल को तुम्हें पता लगेगा कि कोई चीज जब तुम्हें करनी होगी तब आप दूसरों से धैर्य की डिमांड करोगे, लेकिन तब आपको भी ऐसे ही गरियाया जाएगा। ये वही लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी तो कर रहे हैं और आज इन्हें हर एक काम एकदम फास्ट चाहिए, कल जाके जैसे ही कुर्सी में बैठेंगे जाके वहां पर, तो सबसे पहले कुर्सी गर्म करेंगे जाके, ये वहां पे जाके काम नहीं करेंगे, क्योंकि आदत पड़ चुकी होगी किसकी, कुर्सी गर्म करने की। ये तुम्हारे ही जैसे लोग होते हैं। इसलिए थोड़ी सी तमीज सीख लो, वरना भुगतेगा कोई नहीं, तुम्हारे माँ बाप ही भुगतेंगे और कोई नहीं भुगतेगा। तरस आता है। आगे बढ़ते हैं। 1905 के बाद 1906 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। और एकाध ज्ञानी और आ जाते हैं क्लास के अंदर, बार बार ये कहने आ जाते हैं कि सर वही इतिहास का मिडवल, वही मॉडर्न। अबे आज तक इतिहास में मिडवल और मॉडर्न के अलावा कौन सा इतिहास पूछ दिया गया? अबे फ्रांसीसी क्रांति तुमसे पूछी गई है? एसएससी के अंदर फ्रांसीसी क्रांति पूछी गई है या जर्मन क्रांति तुमसे पूछी गई है? सब कुछ पता होने के बाद भी तुम उसके बाद भी तो तुम क्लास में आया ना करो ना, जब मैं वही पढ़ा रहा हूं तो। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम क्लास में आओगे क्योंकि वरुण अवस्थी जाना ही जाता है इसीलिए कि एसएससी में जीएस का नाम ही वरुण अवस्थी है। लोग तुम्हें कंटेंट कुछ भी पढ़ा ले, लोग तुम्हें यह सिखा देंगे कि ट्रेन में पहिए ऐसे कैसे घूमते हैं, लोग तुम्हें यह बता देंगे कि हवा में एरोप्लेन को रिफ्यूल कैसे किया जाता है, लेकिन कोई तुम्हें वैसा कंटेंट नहीं दे रहा है जो एसएससी में पूछा जाएगा। जब एग्जाम निकालने की बारी आती है तो तुम यहां पे झक मार के आते हो। कारण यही है, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें यह पता है कि मेडवेल अगर मैं दोबारा कराऊंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन नए होंगे,
तुम्हें पता है मॉडर्न कराऊंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन नए होंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वरुण अवस्थी किताब रख के सामने नहीं पढ़ाता है, दिमाग से पढ़ाता है और यहां पे घंटों तक बोलता रहता है। सारे टाइमलाइन में दिमाग से ही पढ़ाता हूं, मेरे आगे कुछ कंटेंट नहीं होता है यहां पे। तभी तुम्हें पता है कि हर बार नए क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन तुम्हें बोलना भी है बड़ी अम्मा बनके। और जब यहां पे नया कंटेंट पढ़ाया जाता है तो तुमसे सिलेक्शन लेने में नानी मर जाती है। सिलेक्शन तो तुमसे 4 साल से लिया नहीं जा रहा है, जिनका सिलेक्शन होना था वो सब लेके आगे जा रहे हैं और तुम बड़ी अम्मा बनके फिर रहे हो जाके कमेंट सेक्शन में, ये तो वही पढ़ा दिया, ये तो वही पढ़ा दिया। अबे तुमने एक बार भी अगर पूरे 1500 एमसीक्यू लूसेंट वाली सीरीज के कर लिए होते तो आज तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता, अगर तुम सारे फॉर्म भर रहे हो तो, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। बेवकूफ आदमी, कौन सा मेरा ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने ये वाली टाइमलाइन आज पढ़ा दी हो? ले आओ जरा कोई सा भी वीडियो, पढ़ाना छोड़ दूंगा यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? तो ध्यान रखिएगा दो लोगों के नाम, आगा खान एंड सलीमुल्ला खान। आगा खान और सलीमुल्ला खान 1906 में करी गई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर करी गई थी? ढाका में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या था? तो ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं। इसकी स्थापना ढाका में करी गई लेकिन इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया गया था। इस पार्टी की स्थापना के पीछे का मेन उद्देश्य यह था कि मुसलमानों के हितों का संरक्षण करना। ठीक है, 1906 के बाद 1907 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1907 क्यों इंपॉर्टेंट है? सूरत समिट, क्या बोलते हैं? सूरत समिट या फिर कांग्रेस स्प्लिट आप बोल सकते हो, तो सूरत समिट लिख लो या फिर कांग्रेस स्प्लिट भी इसी को बोलते हैं। अब इसमें भी आपको पता ही है कहानी, नहीं भी पता है तो फैक्ट समझ लो। हुआ क्या कि वोटिंग हो जाती है और कांग्रेस में दो तरीके की विचारधारा पनप रही होती है, एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा और एक मॉडरेट, जिसके आधार पर कांग्रेस की स्थापना तो हुई थी। तो यहां पर क्या होता है, फाइनली फैसला निकलता है कि कांग्रेस को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए। एक हिस्सा जो कि मॉडरेट ग्रुप हो गया और यही कांग्रेस कहलाया, बाकी जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो सब कांग्रेस से हट गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक ग्रुप बन गया एक्सट्रीमिस्ट, इसी को हम लोग नरम दल और गरम दल के नाम से जानते हैं। मॉडरेट ग्रुप मतलब नरम दल, जिसमें सीनियर सिटीजन्स हुआ करते थे और ज्यादा सीनियर लीडर हुआ करते थे, और ये हुआ गरम दल जिसमें युवा लीडर्स थे। जो मॉडरेट ग्रुप था इसके लीडर कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गरम दल है इसके लीडर कौन थे? ये थे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। सॉर्टेड है, कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। 1908 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? 1908 में महात्मा गांधी पहली बार अरेस्ट हुए थे। महात्मा गांधी अरेस्टेड फर्स्ट टाइम। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी पहली बार कब अरेस्ट हुए थे? 1908 में। उस टाइम पर ये कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे, वहीं पर ये अरेस्ट हुए थे। रंग भेद के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे और इनकी गिरफ्तारी होती है। इसी दौरान इनसे भारत से गोपाल कृष्ण गोखले मिलने के लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि महात्मा गांधी से साउथ अफ्रीका में कौन से ये लीडर हैं जो कि मिलने गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले मिलने गए थे और तभी इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। महात्मा गांधी का कहना था कि पहले अभी मैं ये कार्य खत्म करूंगा और उसके बाद मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं भारत जरूर आऊंगा। इसके बाद आगे बढ़ती है टाइमलाइन। अब आगे समझिए, 1908 के बाद 1909 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1909 में एक बिल आता है जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो बिल। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो बिल।
इसको भारत के सेक्रेटरी लॉर्ड मार्ले और मिंटो के द्वारा पास किया गया था। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसे एरिया जहां पे मुस्लिम्स की जनसंख्या ज्यादा है या मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां का लीडर मुस्लिम ही खड़ा होगा इलेक्शन में, और ऐसे एरिया जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहां पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, वहां पर जो इलेक्शन में लीडर खड़ा होगा वो हिंदू लीडर ही खड़ा होगा। अब इससे क्या हुआ कि मुस्लिम बहुल एरिया में रहने वाले जो हिंदू थे, इनमें इनसिक्योरिटी आने लगी। इन्हें लगने लगा कि अगर मुस्लिम ही लीडर होगा, ऐसा मोनोपोली हो गया है, तो हमारे हितों का संरक्षण कौन रखेगा। और सेम यहां पर भी हुआ, जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिमों की तादाद कम थी, उनके भी दिमाग में सिक्योरिटी आने लगी कि अगर लीडर हिंदू ही हमेशा होगा, ये एक मोनोपोली है, तो फिर हमारे हितों का संरक्षण कैसे रखा जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ही था इस बिल का कि हिंदू और मुस्लिम्स की एकता को खत्म करना। क्या ऐसा हुआ? आंसर है यस, ऐसा ही हुआ। इनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा और भारत में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में मतभेद देखने को मिलने लगे यहीं से। क्या हो भाई? क्लियर है ना? ठीक है। अब 1909 के बाद, अब देखो यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एक क्वेश्चन पूछता है, ये कौन सा बिल है जिसको पाकिस्तान की नींव कहा जाता है? पाकिस्तान की नींव, तो ये यही बिल है, मार्ले मिंटो बिल, जिसको पाकिस्तान की नींव कहा जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, यही वो पहला ऐसा मूवमेंट था या फिर पहला ऐसा क्षण था जहां पर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में मतभेद देखने को मिले, और उसके बाद ये बीच बीच में इंटीग्रेट भी हुए, लेकिन बीच बीच में फिर वो वाली बात नहीं आ पाई, पहले जैसी बात नहीं आ पाई, क्योंकि फिर कुछ हार्ड कोर मुस्लिम लीडर आ जाएंगे, कट्टर मुस्लिम लीडर आ जाएंगे, और वो एक अलग राष्ट्र की डिमांड रखेंगे। उनका कहना होगा कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, और वो बात फिर आगे बढ़ती चली जाएगी, ब्रिटिशर्स इसका फायदा उठाएंगे और 47 में जाके पाकिस्तान बना देंगे। 1909 के बाद 1911 इंपॉर्टेंट है। 1911 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साल दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार कौन से साल में लगा था? दिल्ली दरबार में किसको गेस्ट के रूप में बुलाया गया था? तो ये थे जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी, रानी मैरी, इन दोनों को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। 1911 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसी साल में दिल्ली को भारत की कैपिटल बना दिया गया। दिल्ली हैज बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी। एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वर्ष है जब उड़ीसा और बिहार को बनाने के लिए एक नया प्रावधान लाया गया था? तो यहीं पर इसी साल में फैसला लिया गया था कि उड़ीसा और बिहार नाम के दो राज्यों की स्थापना करी जाएगी, और दोनों राज्यों को कहां से निकाला जाएगा? बंगाल से। तो बंगाल का ऊपर वाला कुछ हिस्सा निकाल के बिहार की स्थापना करी जाएगी और नीचे वाला कुछ हिस्सा निकाल के उड़ीसा की स्थापना करी जाएगी। क्लियर हो गई यहां पर सारी चीजें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक कौन सा वर्ष है जब बंगाल पार्टीशन को खारिज कर दिया गया था पूरे तरीके से? तो 1911 के दिल्ली दरबार में ही बंगाल पार्टीशन अभी जो हुआ है ना, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, ठीक है, इसको खारिज कर दिया गया था। यह कहा गया कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको हम खत्म करते हैं, वो पूरा ही बंगाल कहलाएगा। लेकिन पहले जैसी बात फिर से नहीं आ पाई, क्योंकि लोगों के बीच में मतभेद होने लगे थे, ठीक है, और इतने 6 सालों के मतभेद, अब आप अचानक से उठ के बोल दे रहे हो कि नहीं नहीं चलो ठीक है, ये तो वही बात हुई जैसे कि तुमने पहले किसी को 4 झापड़ मिला के मारे, अब गाल में उंगलियां छप गई, और फिर उससे बोल लो भाई 4 झापड़ मैंने ले लिया भाई अपने, भाई कोई दिक्कत तो नहीं, अब लगी तो नहीं भाई। ये वही वाला केस था, हाथी के दिखाने के दांत थे केवल। 1911 के बाद आगे बढ़ते हैं, 1913 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1913 गदर पार्टी की स्थापना करी गई। गदर पार्टी किसके द्वारा करी गई? लाला हरदयाल के द्वारा करी गई। लाला हरदयाल, ठीक है, कहां पर करी गई? तो ध्यान रखना, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में करी गई। सैन फ्रांसिस्को में करी गई।
1913 के बाद 1915 इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत आ गए। ठीक है, अब एक काम करें यार, एक काम करते हैं, बाकी टाइमलाइन को बाद में आगे बढ़ाते हैं, पहले गांधी या नेहरा के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी के आगे तक के मूवमेंट ही खत्म कर देते हैं। क्लियर, महात्मा गांधी से बनने वाले क्वेश्चन, पहला वो 1908 वाला तो हटा दो, मैं बता ही चुका हूं कि पहली गिरफ्तारी कब हुई थी और कौन से देश में हुई थी, कौन मिलने गया था, वो ठीक है। अब यहां से चालू करते हैं, केवल महात्मा गांधी पर फोकस रखेंगे अभी। 1915 में आते हैं 9 जनवरी को, 1916 में आश्रम की स्थापना करी जाती है, कहां पर, साबरमती में, कहां पर, साबरमती में। 1917 में इनका पहला आंदोलन भारत में होता है, कौन सा मूवमेंट चलाते हैं इसको बोलते हैं चंपारण मूवमेंट, क्या बोलते हैं, चंपारण आंदोलन, लिखते जाना टाइमलाइन, उम्मीद करता हूं नोट्स बना रहे होगे आप लोग, केवल कमेंट सेक्शन में ही नहीं लगे होगे ही हा हा हु कर रहे हो। अब देखो चंपारण आंदोलन कहां पर हुआ था, ये बिहार के चंपारण में हुआ था, नील की खेती के प्रावधान को खत्म करने के लिए, और इसमें जबरन नील की खेती कराई जा रही थी। अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया कि भाई जितनी भी जमीन है उसमें से 3 कठिया जमीन में आपको नील की खेती ही करनी पड़ेगी, और नील की खेती किसानों की जमीन को बंजर भी करती चली जा रही थी। चंपारण मूवमेंट के लिए महात्मा गांधी को बुलाया किसने था, तो ध्यान रखना इनका नाम है राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जी थे जिन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था। 1918 इसमें क्या हुआ, इसमें महात्मा गांधी ने खेड़ा मूवमेंट चलाया, कौन सा मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, इसको खेड़ा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और 1918 में ही महात्मा गांधी ने एसोसिएशन ऑफ लेबर की स्थापना करी, एसोसिएशन ऑफ लेबर की स्थापना करी, ठीक है, या लेबर ऑफ एसोसिएशन आप बोल सकते हो, एसोसिएशन ऑफ लेबर बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, दोनों इसी वर्ष में स्थापना करी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक कब करी थी, तो हंगर स्ट्राइक पहली बार 1918 में ही करी थी और इसी मोमेंट के तहत करी थी, फर्स्ट टाइम। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 1918 के बाद 1920 इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी को लेकर। 1920 में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था, नॉन कॉपरेशन का मतलब हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन, क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब क्या है, अरे सहयोग का उल्टा है असहयोग, बोलते नहीं आप हमारे साथ कॉपरेट करिए, सहयोग करिए, हमारा साथ दीजिए, और एक असहयोग मतलब हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन का मेन उद्देश्य यह था कि स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी को रिजेक्ट करो, यही एक ऐसा तरीका है कि हम अंग्रेजों को कॉपरेट की जगह इनकॉपरेट करें, मतलब नॉन कॉपरेट करें हम उन्हें, और जब उन्हें हमारा सपोर्ट मिलेगा नहीं तो हमारे बाजार में वो पैसा कमा नहीं पाएंगे, जब पैसा बना नहीं पाएगी तो ये कंपनी चली जाएगी। 1920 में कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, ये कब तक चलेगा, ये 1922 तक चलेगा। 1922 में एक हिंसा हो जाती है और इस मूवमेंट को महात्मा गांधी बंद कर देते हैं। 1922 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1922 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर होता है चौरी चौरा हत्याकांड, या चौरी चौरा केस आप इसे बोल सकते हो, और चौरी चौरा केस के ही बाद 1922 में ही महात्मा गांधी अरेस्ट हो जाते हैं और इनको 6 साल की सजा सुनाई जाती है, 6 ईयर इम्प्रिशनमेंट, जेल की सजा मिलती है 6 साल की, लेकिन तबीयत खराब हो जाने की वजह से फिर इनको कुछ टाइम के बाद ही छोड़ दिया जाता है। 1922 के बाद महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1930 इंपॉर्टेंट है। 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसको क्या बोलते हैं, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट,
सिविल डिस ओबीडियंट मोमेंट। अब ये जो सिविल डिस ओबीडियंट मोमेंट है, इसी को हिंदी में आप बोलते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य ये था कि अब देखो, जब हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से सब कुछ खरीदना बंद कर दिया, तो इन्होंने क्या कहा कि भैया खाना तो खाओगे ना, और खाने में क्या डालोगे? नमक। तो एक काम करते हैं, नमक में ही टैक्स बढ़ा देते हैं। इन्होंने नमक में 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया, जिसके तहत फिर महात्मा गांधी ने कहा अच्छा तुम नमक में टैक्स बढ़ा रहे हो, तो एक काम करते हैं, अब हम अपना खुद का नमक भी बना लेंगे। तो इसके लिए फैसला यह लिया गया कि एक जगह से दूसरी जगह तक पद यात्रा करते जाएंगे और वहां खुद का नमक बनाएंगे। तो इसमें महात्मा गांधी ने साबरमती के अपने आश्रम से यात्रा प्रारंभ करी थी और पैदल यात्रा करते गए गुजरात के दांडी के कोस्टल एरिया पर। और यह जो दांडी का कोस्टल एरिया था, यहां तक पहुंचने में 24 दिनों का समय लगा। कितना? 24 डेज का समय लगा। और वहां पे जाके नमक बनाया। समुद्र की वो प्रक्रिया नहीं होती है, क्षारीय प्रक्रिया, जिसको आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो कि ऐसे मेड़े बना दी जाती हैं और समुद्र का पानी लहरों के थ्रू आता है और इसमें रुक जाता है इन मेड़ों के अंदर, फिर इस पानी को वाष्प के थ्रू सुखा दिया जाता है, ये पानी हवा में वाष्प बन के उड़ जाता है और खारे पानी का सिर्फ और सिर्फ नमक यहाँ पर रह जाता है। इस नमक को मिट्टी से छान लिया जाता है, फिर इसे शुद्ध बना दिया जाता है और यही खाने में उपयोग होता है। तो यह बड़ी ही उस टाइम पर ऐसी प्रक्रिया थी जो कि बहुत पहले टाइम से सुनी जा रही थी, लेकिन किसी ने ट्राई नहीं करी थी। तो यहां पर क्या हुआ, नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक का कानून किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने। कौन से ईयर में? 1930 में। इसी को नमक का आंदोलन भी कहा जाता है, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है और इसी को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी 1942 में आपको डायरेक्ट दिखेंगे एक बड़े मूवमेंट के साथ, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदी में इसी को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट से बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या है। क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी वापस जाना है, अभी बहुत कुछ, मतलब 1915 पे अभी वापस जाना है, ठीक है? अभी तो केवल महात्मा गांधी पर टाइमलाइन चल रही है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? बॉम्बे से लॉन्च किया गया। इस पूरे मूवमेंट में 10,000 लोग मारे गए। कितने? 10,000 लोग मारे गए। और इस पूरे मूवमेंट में 60,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, इम्प्रिशनमेंट। बात आ गई समझ? ये मूवमेंट कब से कब तक चला? 1942 से लेकर 1945 तक ये मूवमेंट चला, जब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म नहीं हो गया। क्लियर है यहां तक? इसी के तहत महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था या नारा दिया था, क्या? डू और डाई, डू और डाई, जिसको आप बोलते हो करो या मरो का नारा, करो या मरो। सॉर्टेड है? तो ये गांधी नारा से बनने वाले क्वेश्चन थे। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? सॉर्टेड है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सीधे से आ जाते हैं इधर, जहां से हम लोगों ने लय छोड़ी थी, मेन स्ट्रीम टाइमलाइन की। 1915 तक पहुंच गए थे ना, 1916 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1916 में होम रूल मूवमेंट आया था। क्या आया था? होम रूल मूवमेंट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
और इसमें इनका साथ दिया था किसने? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट। इसी मोमेंट के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पत्रिकाओं से। दो पत्रिकाएं बाल गंगाधर तिलक ने जारी करी थी और दो पत्रिकाएं एनी बेसेंट ने जारी करी थी। बाल गंगाधर तिलक ने जो दो पत्रिकाएं जारी करी हैं, एक और दो, पहली जिसका नाम है मराठा और दूसरी जिसका नाम है केसरी, ठीक है। मराठा और केसरी दोनों पत्रिकाएं अलग अलग भाषा में थी। जो मराठा नाम की है ये अंग्रेजी भाषा में थी और जो केसरी है ये मराठी भाषा में थी। और इन पत्रिकाओं का मेन उद्देश्य था पूरे भारत भर के युवाओं को लिख कर ये बताना कि ब्रिटिश हुकूमत किस तरीके से हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है, किस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी स्कीम लॉन्च करते हैं। वो स्कीमें देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन उनके पीछे की मंशा कुछ और होती है। तो भारत का जो युवा वर्ग है उसको जागरूक करने के लिए ये मैगजीन लॉन्च करी गई थी। इसी तरीके से एनी बेसेंट ने भी दो तरीके की मैगजीन लॉन्च करी थी। एक तो इन्होंने कॉमन इंडिया मैगजीन लॉन्च करी, ठीक है, और दूसरी है न्यू व्हील मैगजीन, ठीक है। और ये दोनों कौन सी भाषा में थी? ये दोनों ही अंग्रेजी में थी। अब देखो कॉमन इंडिया से एक चीज ध्यान आया, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमन इंडिया और यंग इंडिया में। यंग इंडिया किसकी मैगजीन है? ये महात्मा गांधी की मैगजीन है और कॉमन इंडिया एनी बेसेंट की है, ठीक है। 1916 हो गया, 1917 चंपारण मूवमेंट हम लोग कर चुके हैं, 18 खेड़ा मूवमेंट हम लोग कर चुके हैं, 1919 में आ जाते हैं 1919। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर क्या होगा? यह था चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड उस टाइम पे भारत का वायसराय था। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जिस टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे पंजाब का गवर्नर कौन था? पंजाब का गवर्नर कौन था, कोई बता सकता है? मिशेल ओडायर। कौन था? मिशेल ओडायर। और ये वही मिशेल ओडायर है जिसको 1940 में ऊधम सिंह ने मारा था इंग्लैंड जाकर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक था इसी में जनरल डायर जिसने गोलियां चलवाई थी वहां पे आके, वो उस पुलिस चौकी का इंचार्ज था लेकिन उसकी मृत्यु 1927 में ही हो गई थी कैंसर की वजह से। और जो उस टाइम पे पंजाब का गवर्नर हुआ करता था मिशेल ओडायर, इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को सही ठहराया था, इस वजह से ऊधम सिंह ने जाके 1940 में इसको वहां पर मारा था। 1919 एक और तरीके से इंपॉर्टेंट है। 1919 में एक मूवमेंट चला जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। किसके द्वारा यह मूवमेंट चलाया गया था? तो ध्यान रखना, अली ब्रदर्स के द्वारा यह मूवमेंट चलाया गया था। अली ब्रदर्स, या इन्हीं को आप अली बंधु के नाम से भी जानते हो। अली ब्रदर्स किनको बोला जाता है? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, इन दोनों के द्वारा खिलाफत मूवमेंट छेड़ा गया था। खिलाफत मूवमेंट के पीछे का मेन उद्देश्य यह था कि टर्की के अंदर इस टाइम पर ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे वहां पर भी, तो टर्की के अंदर इन्होंने फैसला लिया था कि ये वहां पे खलीफा के पद को खत्म कर देंगे। खलीफा वहां पर उच्च सम्मान पद माना जाता था, जैसे कि मराठा साम्राज्य के अंदर पेशवा होते थे वैसे ही वहां पर खलीफा। तो वहां पे मुसलमानों की एकता को खंड खंड करने के लिए इन्होंने फैसला लिया था कि ये खलीफा के पद को खत्म कर देंगे, जिसके विरोध में दुनिया भर के सभी मुसलमान उतर आए थे और उनका कहना था कि खलीफा के पद को खत्म ना किया जाए। इसी में भारत के मुसलमानों ने भी खिलाफत मूवमेंट छेड़ा था जिसका उद्देश्य था कि खलीफा के पद को ना खत्म किया जाए। क्लियर है?
ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये कब से कब तक चला? तो ये 1919 से लेकर 1922 तक चला, ठीक है। और यहां पे हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है? जी हाँ, छूट रहा था। 1920 पे आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंटर कमीशन की स्थापना कब करी गई, तो ध्यान रखना हंटर आयोग, हंटर कमीशन की स्थापना जो है ये 1920 में ही करी गई, ठीक है। और आपको पता है हंटर कमीशन की स्थापना किसके नाम पर करी गई थी? इस व्यक्ति का नाम था विलियम हंटर, विलियम हंटर। और सबसे पहली बार हंटर कमीशन कब लाया गया था? 1882 में, रिपन के टाइम पीरियड पे पहली बार लाया गया था। तब इसको शिक्षा के लिए लाया गया था, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। लेकिन अब इसको लाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 1920 तक हम लोग पहुंच गए हैं, 1922 चौरी चौरा हत्याकांड हो गया है। अब 1923 पर आ जाते हैं, 1923 क्यों इम्पॉर्टेंट है? 1923 में एक पार्टी की स्थापना होती है जिसका नाम है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। इस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? तो ध्यान रखना मोतीलाल नेहरू और एक और व्यक्ति थे इनके साथ, कोई बता सकता है? दो लोगों के द्वारा मिलकर इस पार्टी की स्थापना करी गई, कोई बता सकता है? आंसर करो, बताइए। मोतीलाल नेहरू, बेटा रॉलेट एक्ट 1919 में ही फरवरी के महीने में आया था ना, और उसी के बाद जलियांवाला बाग हो गया, उसको लिखना भूल गया मैं। सुनीत का आंसर सही है, बाकी लोग भी सही आंसर कर रहे हैं। चित्रंजन दास, इन शॉर्ट सीआर दास आप लिख सकते हो, नाम क्या है? चित्रंजन दास। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। इसके और जो प्रमुख लीडर थे, जो मेन लीडर थे, ये दोनों तो फाउंडर और सेक्रेटरी जनरल हैं। सुभाष चंद्र बोस भी इससे जुड़े हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसी से जुड़े हुए थे। आगे चल के आप देखोगे ये बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर बनेंगे जाके। 1923 के बाद 1924 इंपॉर्टेंट है, 1924 एक पार्टी की स्थापना करी जाती है जिसको बोलते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस पार्टी की स्थापना कहाँ करी गई थी? कानपुर में इसकी स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं? और जो HRA है इसके रियल फाउंडर के रूप में किसको जाना जाता है? सचिन सन्याल तो फाउंडर है, रियल फाउंडर के रूप में किसको जाना जाता है? तो ध्यान रखना चंद्रशेखर आजाद को रियल फाउंडर के रूप में जाना जाता है। HRA को बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह था कि अगले ही साल अंग्रेजों की 8 डाउन ट्रेन को लूटा जाए, और यह हुआ भी। तो इसको क्या बोलते हैं? काकोरी लूट केस या काकोरी रॉबरी केस, काकोरी लूट केस को अंजाम दिया जाता है। इसमें अंग्रेजों की 8 डाउन ट्रेन को इन सभी क्रांतिकारी भाइयों के द्वारा लूट लिया जाता है, और इसमें उस टाइम के हिसाब से कितना रुपया लूटा जाता है? 8,000 रुपया नगद लूटा जाता है, आज की डेट में जिसकी कीमत 80 लाख के आसपास आप मान लो। काकोरी लूट केस को अंजाम कहां पर दिया गया था? तो ये नियर लखनऊ, नियर लखनऊ, लखनऊ के पास काकोरी में इसको अंजाम दिया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 1926 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल में नौजवान सभा की स्थापना करी गई थी। किसकी? नौजवान सभा की। किसके द्वारा स्थापना करी गई थी? सरदार भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा स्थापना करी गई, ठीक है। 1928 इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1928 में ऐसा क्या होता है? 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब भारत में आया तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, मतलब इसका लीडर कौन था? इसका नाम था सर जॉन साइमन,
सर जॉन साइमन। अरे काहे का यार सर, घंटे का सर। अब देखो साइमन कमीशन कहां से ब्रिटेन से तो आया था, ये भारत में कहां पे उतरा आके, तो ध्यान रखना ये लाहौर रेलवे स्टेशन में उतरा था आकर, लाहौर रेलवे स्टेशन में, ठीक है। और यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से ईयर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तो इसी का रिजल्ट आया कि डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, लाला जी की मृत्यु हो गई, ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, 1928 हो गया। अब देखो साइमन कमीशन के बारे में समझो, साइमन कमीशन से और क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या बनेगा इससे। साइमन कमीशन पहली चीज तो आपसे ये पूछता है कि इसमें कितने मेंबर्स थे, तो अगर मेंबर की बात करें तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है, जिनका लीडर कौन था, सर जॉन साइमन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा अधिकारी था या फिर ये कौन सा सिपाही सोल्जर था ब्रिटिश हुकूमत का जिसने लाला जी के सर पर लाठियां मारी थी, ये था स्कॉटिश। कौन था? स्कॉटिश। लेकिन मारना इसी को चाहते थे भगत सिंह, और मर जाता है कौन, ये पीछे आ रहा होता है और गोली मार दी जाती है कंफ्यूजन में, किसको? जेपी सैंडर्स को। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, इसी को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। ये इसलिए बोलते हैं कि इन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था, सारे गोरे थे, इस वजह से इनको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1930 हम लोग देख ही चुके हैं, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट या दांडी मार्च या नमक का आंदोलन हुआ, ठीक है, 2 मिनट वेट करिएगा, बस मैं आया, जल ग्रहण कर लूं मैं फिर आया। आगे बढ़े, 1928 हो गया, 1930 हम लोग कवर कर चुके हैं, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, राउंड टेबल समिट से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना थोड़ा सा। राउंड टेबल समिट, राउंड टेबल समिट, इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं? गोलमेज सम्मेलन हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोलमेज सम्मेलन। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इन पर थोड़ा सा फोकस रखना, काफी टेढ़ी मेढ़ी खीर बन जाती है इसमें, जब कोई पहली बार पढ़ता है तो उसे लगता है यार ये क्या अजीबोगरीब खिचड़ी सी बन गई है। टोटल कितने मेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 मेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है, जो पहला हुआ फर्स्ट ये 1930 में हुआ, जो दूसरा हुआ था सेकेंड ये 1931 में हुआ, और जो तीसरा हुआ था थर्ड ये 1932 में हुआ,
यहां तक तो कोई समस्या है नहीं। अब जो 1930 में हुआ, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा लोगों ने अटेंड किया था। पहली चीज तो ये सब कहां पर हुए थे, तो ये सब इंग्लैंड में हुए थे। कहां पर? इंग्लैंड में। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, आपको यह भी ध्यान रखना होगा, कई बार आपसे पूछ देता है कि मेन उद्देश्य क्या था, गोलमेज सम्मेलन ये हो क्यों रहे थे भाई, ठीक है। तो इनका मेन उद्देश्य यह था भारत के संविधान की स्थापना करना, कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करना, कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए इनका आयोजन हो रहा था। लेकिन इनका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला जीरो, कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं निकला। बट उसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, अभी आपको पता लगेगा। 1930 में सबसे ज्यादा लोगों ने इस गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था, 1931 में और कम लोगों ने किया, और 32 में और कम लोगों ने किया। 1930 में 87 लोगों ने इस गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया, क्लियर। जिसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि कांग्रेस जो है और मुस्लिम लीग जो है, माफी चाहता हूं, मुस्लिम लीग नहीं, कांग्रेस है केवल, कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया? बायकॉट कर दिया। और बाकी यहां पर अटेंड करने वाले प्रमुख लीडर में कौन थे? बीआर अंबेडकर थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश हुकूमत थी, इनको पता था कि भारत में जो बहुमत प्राप्त है वो कांग्रेस को प्राप्त है, जब तक कांग्रेस हां नहीं बोलेगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो कांग्रेस ने तो बायकॉट ही कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये गोलमेज सम्मेलन कराया। उसका कारण क्या था? ये दिखाना चाहते थे कांग्रेस को कि देख लो, तुमने बायकॉट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के दूसरे और प्रमुख लोग भी ना आए यहां पर। आपके मना करने के बाद भी 87 लोगों ने आकर अटेंड किया है इस मीटिंग को। उन्हें भी पता था कि रिजल्ट इसका कुछ नहीं निकलना, लेकिन उन्होंने मीटिंग जरूर आगे बढ़ाई। और इसका सीधा सा, ये जो सीधा सा तीर कांग्रेस के लिए चलाया गया था, वो सही निशाने पे लग गया। कांग्रेस को तुरंत लगा कि ऐसे तो हम बाहर हो जाएंगे सिनेरियो से, और तुरंत कांग्रेस ने महात्मा गांधी को आगे कर दिया। और महात्मा गांधी गए किससे मिलने? उस टाइम पर भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। अरे इरविन ही लिख लो, घंटे का लॉर्ड, ठीक है। तो 1931 में 5 मार्च के दिन महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, इसी को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ओके। और जब यह समझौता होता है तो उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत कहती है ठीक है, सेकेंड मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और कांग्रेस को हम इस बार आमंत्रित करते हैं, इन्वाइट करते हैं। कांग्रेस जाकर अटेंड करती है। अब देखो, दूसरी मीटिंग में बी आर अम्बेडकर भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, और तीसरे कौन? कांग्रेस भी थी। और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को, ठीक है। साथ में सरोजिनी नायडू भी थी इस मीटिंग में, जो कि भारत की महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनके वेलफेयर के लिए वहां पर थी, ठीक है। दूसरी मीटिंग का जब आयोजन किया जाता है तो सब एक सहमति पर आ जाते हैं, सबको यह लगता है कि हाँ ठीक है, भारत का संविधान आना चाहिए। सारे लोग यहां पर सहमति अपनी जताने लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि अचानक से बी आर अंबेडकर वहां पर खड़े होकर कम्युनल इलेक्शन की डिमांड कर देते हैं। मतलब बी आर अंबेडकर का कहना होता है कि दलितों के लिए हम अलग से इलेक्शन चाहते हैं। हमारा यह कहना है कि दलितों का शोषण होता चला आ रहा है, तो दलितों का नेता भी दलितों के बीच का ही व्यक्ति होना चाहिए, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि दलितों के बीच का वो व्यक्ति होगा तो ही वो उनकी समस्याओं को समझ पाएगा। अब इसमें महात्मा गांधी का कहना होता है कि नहीं, दो तरीके के इलेक्शन नहीं होंगे, एक भारत है तो एक ही तरीके का इलेक्शन होगा। अब यहां पर क्या होता है, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में तूतू मैमे हो जाती है, तगड़े से हो जाती है वहां पर तूतू मैमे, अच्छी खासी बहस हो जाती है। ये सारी चीजें वहां पर ब्रिटिशर्स देख रहे होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा होता है। और जो इस टाइम पर वायसराय होता है वेलिंगटन, जो वहां पर बैठा होता है, वेलिंगटन कहता है बेटा एक काम करो, एक चाय की प्याली गरम गरम बोल दो, जब तक आएगी तब तक तो इनका ये चलता ही रहेगा। वो आराम से सारी चीजें देख रहा होता है। अब महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में यहां पर बहस चली रही होती है कि बीच में मोहम्मद अली जिन्ना आ जाते हैं, ये एकदम से खड़े होते हैं और कहते हैं हम अम्बेडकर के साथ हैं और हमें मुसलमानों के लिए भी अलग से इलेक्शन चाहिए।
अब महात्मा गांधी अकेले पड़ जाते हैं, इधर से दो लोग हो गए भाई, बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों कम दोनों सेपरेट इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। और अचानक से वेलिंगटन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है वहीं पर कि हां हम इसको अप्रूवल देते हैं कि भारत में सेपरेट इलेक्शन होंगे। ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे, उसका तो कहना ही था कि भाई तुम लोग जितने हिस्सों में बंटना चाहते हो बंट जाओ, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो बांटने का काम करना है, तुम सब खुद ही बंटना चाहते हो, सेपरेट इलेक्शन चाहते हो, सेपरेट इलेक्शन कराओ, आगे और फूट पड़ेगी। और फाइनली यहां पर महात्मा गांधी को अवॉइड कर दिया जाता है, एक किनारे कर दिया जाता है, और जो सेकेंड मीटिंग है उसका रिजल्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कुछ नहीं निकलता है, उसका रिजल्ट तो कुछ और ही निकल आता है, सेपरेट इलेक्शन। इसी को कम्युनल अवॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और तुरंत ही कम्युनल इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो पूरे भारत भर के जो दलित होते हैं वो बी आर अम्बेडकर को अपना नेता चुनते हैं, और जो पूरे भारत भर के मुसलमान होते हैं वो जिन्ना को अपना नेता चुन लेते हैं। यही वो टाइम पीरियड होता है जब अम्बेडकर और जिन्ना एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर के आते हैं। कब? 1931 में। क्लियर हो गई इसके पीछे की सारी कहानी? क्लियर हो गई? अब आगे कहानी पे नहीं चलेंगे, ये तो केवल इस कड़ी को जोड़ने के लिए बताना ही था मुझे आपको। अब 1932 में क्या होता है, 1932 में, अब देखो महात्मा गांधी इस टाइम पे भूख हड़ताल करते हैं लेकिन कोई भी ध्यान यान नहीं देता है, सबका ध्यान कहां पर होता है, सेपरेट इलेक्शन में ही होता है। जब सेपरेट इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनमें से जो दलित वर्ग होता है वो कांग्रेस का बहिष्कार कर देता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो जो दलित वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा होता है उसका कहना होता है हम अंबेडकर के साथ हैं, हम अब कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। और जितना मुसलमान वर्ग होता है वो सब जिन्ना के साथ पहुंच जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, तो वो भी कांग्रेस से निकल गया और कांग्रेस पड़ जाती है कमजोर। अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान देना है, आजादी की लड़ाई डायरेक्ट बेसिस पर कौन लड़ रहा है? हमारे सामने सबसे बड़ा और सबसे पुरानी चुनौती आजादी है, और आजादी इंडिपेंडेंस की लड़ाई, फ्रीडम की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही थी, कांग्रेस कमजोर हो चली थी। ये चीज हर एक को पता था कि सही नहीं है इस टाइम पे, और इसी के लिए मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे आते हैं और ये जाकर महात्मा गांधी का समझौता कराते हैं 1932 में। किससे? यहां पर महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच में समझौता होता है पुणे के यरबदा जेल में, और इसी को क्या बोला जाता है, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? पूना पैक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे ही पूना पैक्ट होता है उसके बाद 1932 में तीसरी राउंड टेबल समिट को आयोजित किया जाता है। जब आयोजन इसका किया जाता है तो कांग्रेस इसको बायकॉट कर देती है। कांग्रेस का कहना है कि भाई हम तो आए भी थे, आप हमें बुलाते भी हो और उसके बाद हमारी बेइज्जती भी वहां पे करते हो, तो वहां पे बेइज्जत होने थोड़ी आएंगे, तो हम बायकॉट करते हैं इस तीसरी मीटिंग को। सही भी था, जायज भी था रीजन भाई, अरे भाई जहां पे आपकी बेइज्जती हो जाएगी वहां थोड़ी जाओगे, वहां तो बिल्कुल एक सेकेंड नहीं खड़े होना चाहिए। अब तीसरी मीटिंग को भी बी आर अम्बेडकर अटेंड करते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तीसरी मीटिंग में एब्सेंट हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों एब्सेंट हो गए थे भाई, इनकी तो डिमांड भी मान ली गई थी, ये मुस्लिम्स के लीडर भी बन गए थे। तो इसीलिए बोलते हैं कि इतिहास पढ़ते हैं पढ़ाते हैं लेकिन इतिहास से हम लोग कुछ सीखते नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना दरअसल जो है ये मुसलमानों का नेता बनने में इंटरेस्ट रखते थे। आगे चलकर इन्होंने बताया भी कि हमें मुस्लिम्स के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। हालांकि इनको इस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट क्यों नहीं था, इसका जवाब भी हमें अगले 15 साल में मिल जाता है, जब हमें पता लगता है कि मुस्लिम्स के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की डिमांड रख देते हैं। इनको पहले से ही पता होता है कि जब भी भारत आजाद होगा तो जाहिर सी बात है सत्ता किसे मिलेगी, सत्ता कांग्रेसियों को मिलेगी, सत्ता नेहरू को मिलेगी, लेकिन सत्ता हमें थोड़ी मिलेगी, और हमें सत्ता तभी मिल सकती है जब मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बन जाए, और जब अलग राष्ट्र बनेगा तो उसी में मैं सुपीरियर होऊंगा और उसी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लीडर्स होंगे वो सब एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। यहां पर आपको तीनों मीटिंग में एक ही व्यक्ति कॉमन दिखाई दे रहा है, वो कौन है? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। दरअसल अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को लाने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बी आर अम्बेडकर का ही था,
और आगे चल के जब संविधान बनाया गया तो संविधान बनाने के समय में भी बी आर अंबेडकर का ही आप योगदान देखेंगे सबसे ज्यादा, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं पूरे मॉडर्न इंडिया में, आप किसी को भी देख लें, किसी भी किरदार को देख लें, सब में से अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो बी आर अम्बेडकर है। बी आर अम्बेडकर की शख्सियत को लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है अभी, क्योंकि आपने बी आर अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है। जब आप बी आर अम्बेडकर को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या शख्सियत थी, क्योंकि तुम लोग तो लगे रहते हो, एक तबका बोल देता है मैं सुभाष चंद्र बोस की तरफ हूं, एक तबका कह देता है मैं महात्मा गांधी की तरफ हूं। तुम लोगों ने तो तबके बांट रखे हैं, लेकिन तुम लोगों को यह नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी कभी आपस में नहीं लड़े थे। उनके मकसद एक ही थे, तरीके अलग अलग थे, हाँ मतभेद हो सकते थे लेकिन मन भेद कभी नहीं हुए। लेकिन तुम लोगों ने मन भेद बना रखे हैं, कोई कहता है मैं गांधी की तरफ से हूं, कोई कहता है मैं बोस की तरफ से हूं, कोई कहता है मैं भगत सिंह की तरफ से हूं। दरअसल उन सबका मकसद एक ही था, वो कभी आपस में नहीं लड़े, लड़ तुम लोग रहे हो। और यही दर्शाता है शिक्षा की कमी को। 1932 के बाद आगे आते हैं, 1935 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना हुई। 1935 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1937 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1937 में एक मूवमेंट चलाया गया था, इस मूवमेंट का नाम क्या था, सेल्फ रूल मूवमेंट। क्या था, सेल्फ रूल मूवमेंट। अब देखो, वैसे तो मैं फाउंडेशन बैच जो होता है ना वहां पर, या कंप्लीट बैच जो होता है वहां पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूरी स्टोरीज पढ़ाता हूं, लेकिन क्वेश्चंस के तौर पर अगर देखा जाए तो आपसे नौजवान सभा पूछ दिया जाता है, या तो एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है, अरे 1928 में एक हम लोग इवेंट भूल गए हैं, 1928 में HSRA की भी स्थापना करी गई थी। साइमन कमीशन को हम लोग डिस्कस करने लगे थे तो इसको भूल गए थे। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहां पर करी गई थी, दिल्ली में करी गई थी, फिरोज शाह कोटला में करी गई थी। कहां पर, फिरोज शाह कोटला। किसके द्वारा करी गई थी, तो इसके फाउंडर कौन है, चंद्रशेखर आजाद। और इसका मोटो क्या था, इसका मोटो था लाला जी की मृत्यु का बदला लेना, ठीक है। और यही होता है, इसके बाद 1928 में ही भगत सिंह के द्वारा किस पर गोली चला दी जाती है, जनरल कौन था ये, जेपी सॉन्डर्स, जिसके ऊपर गोली चला दी जाती है उसे स्कॉटिश समझ के, हालांकि मारना होता है स्कॉटिश को, लेकिन सॉन्डर्स मर जाता है वहां पे लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर। तो 1937 में थे, यहां पर देखो 1937 में सेल्फ रूल मूवमेंट चलाया गया। ये सेल्फ रूल मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, ये मूवमेंट चलाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, सेल्फ रूल मूवमेंट का इसका मेन उद्देश्य था कि ब्रिटिशर्स को यह बोलना, उन तक अपना यह मैसेज पहुंचाना कि यह भारत भारतवासियों का है और भारत में शासन भी भारतवासियों का ही होना चाहिए, तो इसके लिए इलेक्शन कंडक्ट करा लो और भारत की जनता ही यह फैसला कर ले कि कौन यहां पर चुना जाएगा और कौन यहां पर भारत को चलाएगा। ब्रिटिशर्स के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट भी कराए जाते हैं। जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं तो 11 में से 7 जगहों पर, या 11 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस पर कांग्रेस को बहुमत मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिशर्स मुकर जाते हैं। मतलब कहने का उनका तो वही था, उन्होंने सोचा कि पहले करा लेते हैं इलेक्शन कंडक्ट, अपनी सरकार आ जाएगी हो सकता है। जब देखा कि अरे ये तो कांग्रेस को मिल गई, एक सेकेंड रुकना, हेलो,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर 7 प्रोविंसेस पर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो सारी चीजें गोलमोल करके आगे अवॉइड कर देते हैं और कुछ नहीं होता है अल्टीमेटली। अब देखो 1939 में, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, और ये कब तक चलेगा, 1939 से लेकर 1945 तक चलेगा। 1945 में वर्ल्ड वॉर तब खत्म होता है जब 6 अगस्त को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया जाता है हिरोशिमा में, और 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम गिराया जाता है, तब जाकर यह वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है। अब इस बीच में क्या है समझो, 1939 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं, और रिजाइन करने के बाद अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है? कई लोगों को लगता है जैसे कि आज की डेट में, ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि जब चीजों में मतभेद होने लगते हैं, ठीक है, तो उसके बाद इंसान क्या सोचता है, वो अपने तरीके से कार्य कर पाए। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉन्च कर दिया अपना खुद का प्लेटफॉर्म एग्जाम इंजन, ठीक है, तो इतिहास से इसे कनेक्ट करके देखो, यहाँ पर मैं वही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है, आगे कौन सी पार्टी गई, कांग्रेस गई, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी पार्टी थी, बहुत पहले से थी, ठीक है, लेकिन क्या ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आगे जा पाई, नहीं जा पाई। इससे कोई बहुत बड़ा आज की डेट में आप देखोगे तो फर्क पड़ा क्या, आपको लगेगा नहीं फर्क पड़ा, लेकिन जब आप इतिहास को पढ़ोगे तब आपको पता लगता है कि हाँ इससे फर्क पड़ा। अगर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ना होती तो आगे INA तक बात ना पहुंचती, और INA तक बात ना पहुंचती तो सुभाष बाबू इस तरीके से पूरे भारत को यूनाइट ना करते, या फिर कांग्रेस के अंतर्गत रहकर वो अपने विचारों को इस तरीके से ना खोल पाते। तो कहने का मतलब यह है कि आप कितना आगे जाओगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप शुरुआत भी करते हो तो वो भी अपने आप में बहुत काफ़ी है। अल्टीमेटली अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है उस टाइम पे। अगर आप अपना कंफर्ट जोन ही छोड़ पा रहे हो तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ पर करी गई, कोलकाता में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है, किसके द्वारा करी गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना करी गई थी। 1939 के बाद 1940 में भारत में क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, क्लियर है। और इसका लीडर कौन था, मतलब इसका हेड कौन था, यह था स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ओके, कोई समस्या तो नहीं यहां तक। 1940 हो गया, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट से बनने वाले क्वेश्चन हम लोग देख ही चुके हैं। अब 1942 में ही ध्यान रखना है आपको, INA की स्थापना करी गई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, आजाद हिंद फौज। कई लोगों को ऐसा लगता है कि INA की स्थापना 1943 में करी गई थी, बट ऐसा नहीं है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको लीड किया था, सुभाष चंद्र बोस ने इसको लीड किया था, इसका संचालन सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 में, लेकिन इस पार्टी की स्थापना 1942 में ही कर दी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी, तो ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा करी गई थी, रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। और आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ने इसको लीड कर लिया था, संचालित किया। 1943 में ही सुभाष बाबू के द्वारा एक रेजिमेंट की स्थापना करी गई, जिसको हम लोग बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ठीक है। और यह केवल भारत की ही नहीं, पूरे दुनिया की पहली ऐसी रेजिमेंट थी जिसमें महिलाओं को फोर्सेस में शामिल किया गया था। 1943 के बाद 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और आगे बढ़ते हैं। 1946 में
1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के लीडर कौन थे? तो ध्यान रखना है, इसमें तीन लोग आए थे भारत में। कौन कौन थे? एक तो था पथिक लॉरेंस, पथिक लॉरेंस, दूसरा था एवी अलेक्जेंडर और तीसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स मिशन वाला। ठीक है, अब इसमें से हेड कौन था? तो इन तीनों में से हेड था ये पथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन भारत में भारत की आजादी की प्रक्रिया को पूरा कराने आया था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है तो दुनिया भर में यह फैसला लिया जाता है कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी जाए और जिसका नाम होगा यूनाइटेड नेशंस। एक सेकेंड रुकना, हाँ जी, तो जिसका नाम होगा यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करने के लिए परमानेंट सदस्यों के रूप में कई देशों की होड़ लग गई, जिसमें से एक ब्रिटेन भी था। और ब्रिटेन को बहुत अच्छे से पता था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट मेंबर का तबका तभी मिलेगा जब हमारी इमेज अच्छी होगी, और अच्छी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया भर में जितने भी देशों को ये इस टाइम पर संचालित कर रहे थे या जबरन उन पर इन्होंने शासन करके रखा हुआ था, उन्हें रिलीज करना बहुत जरूरी था। और इसका सीधा सा फायदा भारत को मिला, जिसके लिए इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा था। और इस टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह था क्लेमेंट एटली। क्या नाम था? क्लेमेंट एटली। एटली के द्वारा डिक्लेरेशन किया जाता है कि 30 जून 1947 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। कब? 30 जून 1947 से पहले। और इसके लिए ब्रिटेन से एक व्यक्ति को भारत में भेजा जाता है, जिसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन के हाथ में सारी जिम्मेदारी दी जाती है। माउंटबेटन क्या करता है? जितने भी पुराने गड़े मुर्दे होते हैं वो सब निकालता है, और उसमें उसे पता लगता है कि यहां पर एक तबका ऐसा भी है जो कि मुस्लिम वर्ग के लिए अलग राष्ट्र की डिमांड कर रहा है। तो उसका कहना होता है एक काम किया जाए, जब तुम अलग राष्ट्र मांग ही रहे हो तो इसी बेसिस पर भारत को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए। दरअसल भारत के दो हिस्से विभाजित करने के तौर पर कहे जा रहे थे, लेकिन भारत को इतनी बेतुकी तरीके से, इतने बेरहमी के तरीके से विभाजित किया गया जैसे कि एक बच्चा अपना केक भी नहीं काटता है बर्थडे पे। आप देखोगे एक छोटा से छोटा बच्चा जिसको समझ नहीं भी होगी, उसे भी आप केक काटने को बोलोगे तो एक तरफ से उस पर छुरी चलाएगा। लेकिन दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी देश के नक्शे को इस तरीके से बांटा गया कि चलिए मान लेते हैं पाकिस्तान बनाना था तो इधर से या इधर से कहीं से भी बनाते, एक हिस्सा इधर से रखा गया और एक हिस्सा इधर से रखा गया, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच से जीटी रोड जा रही है। यह वाला कहलाया ईस्ट पाकिस्तान और यह वाला कहलाया वेस्ट पाकिस्तान। यह जानबूझकर सोची समझी हुई साजिश थी कि ये दो देश आपस में ही उलझे रह जाएं, आगे प्रोग्रेस ना कर पाए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान अगर जाना है तो भारत के बीचों बीच से होते हुए जाओगे, ऐसे कौन करता है भाई? ऐसा विभाजन कैसा विभाजन होता है? यह तो वही वाली बात है कि बिल्ली के गले में घंटी लटका दी है, अब वो बजती रहेगी और वो परेशान होती रहेगी। तो यहां पर ये सोची समझी हुई कॉन्स्पिरेसी थी। यही ब्रिटिशर्स पहले बहुत कुछ कर चुके थे, कम्युनल इलेक्शन इन्हें कंडक्ट कराने थे, इतने मैनेजेरियल तरीके से करा लिए, राउंड टेबल समिट आप देखो दो दो तीन तीन बार करा रहे थे क्योंकि उसमें उनका फायदा था। और अब जब यहां पे कराना था तो इन्होंने किसी से भी ये तक नहीं पूछने की कोशिश करी या एक सर्वे तक नहीं कराने की कोशिश करी कि कौन पाकिस्तान में रहना चाहता है और कौन हिंदुस्तान में रहना चाहता है। इन सारी चीजों को जल्दबाजी में करते हुए क्या कर दिया गया, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह खुला छोड़ दिया गया कि जो उधर जाना चाहते हैं उधर चले जाए, जो इधर आना चाहते हैं इधर आ जाए। उसकी वजह से राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं और लाखों लोग मारे जाते हैं। ये दोनों देश तो बन जाते हैं लेकिन बीच में एक ऐसी खाई खुद जाती है जो कि कभी नहीं पटने वाली थी, और आगे चल के वो नासूर तब बन जाती है जब 1971 में
भारत को उतरना पड़ता है यहां के लोगों के वेलफेयर के लिए, क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है। और भारत तो इस टाइम पे ह्यूमन राइट्स के बारे में सोच रहा था, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते और बड़े देश होने के नाते भारत की जिम्मेदारी बनती है कि यहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो रहा हो। लेकिन पाकिस्तान ने इसको सेम उसी तरीके से माना कि हमारे घर के अंदर से आपने एक कमरा हमसे छीन लिया, या हमारे घर का आधा हिस्सा आपने छीन लिया, और वहीं से यह सिलसिला बहुत बुरी तरीके से और आगे चालू हुआ, और उसके रिजल्ट आपको बीच बीच में देखते रहे, और आज की डेट में ये आपको कहीं ना कहीं टेररिज्म के भी रूप में दिखाई देता है। तो जिसकी रूट ही यहीं से हो गई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि माउंट बेटन जो था ये ब्रिटिश डिफेंस में कौन सी सेना का अधिकारी था, तो ध्यान रखना ये नेवल कमांडर था। कौन था? नेवल कमांडर था, ब्रिटिश नेवल कमांडर, ब्रिटिश नेवी का कमांडर था ये, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि माउंट बेटन भारत में कब से कब तक रहा था, तो ये 47 से लेकर 48 तक रहा था। माउंट बेटन का असैसिनेशन हुआ था, आपको पता है ना, माउंट बेटन की हत्या करी गई थी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉर्टेड है? बहुत बढ़िया। जो लोग अभी भी मुझसे यहां पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आपको डालना है एग्जाम इंजन बाई वरुण अवस्थी, और गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो डेली की फ्री पीडीएफ्स के लिए। और साथ में 10 तारीख से, मतलब अभी 3 दिन के बाद से ही फाउंडेशन बैच हमारा 2023 के सभी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब आप 2023 का कोई भी एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो 10 तारीख से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं 4000 रुपी में। और अभी तक आपके पास समस्या ये रहती थी कि आप ये बोलते थे कि सर अगर मुझे सिर्फ GS GK का ही बैच लेना हो, तो आपके पास ये भी व्यवस्था है कि उसमें जो क्लासेस होंगी आप केवल GS GK की भी क्लास ले सकते हो। उसका अमाउंट हमने 1500 रखा हुआ है, क्योंकि ये बैच 3 से 4 महीने तक चलेगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब कवर होगी, इकोनॉमी भी कवर होगी, सब कुछ होगा, और बोर्ड में ही मैं इस बार पढ़ाऊंगा। तो इस वजह से आई थिंक 1500 अमाउंट जेन्युइन है। 3 से 4 महीने में ये आपका पूरा खत्म होगा, और 2023 में जो भी एग्जाम होंगे वो आप धड़ल्ले से निकाल पाओगे। और हाँ, आपने जैसा कि देख लिया, अब पहले वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। जो क्रैश कोर्स था अभी हमारा, ये क्रैश कोर्स 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होनी थी, हो गई। तो अब पहले जैसा नहीं चलेगा कि वो चल रही है। हम एक डेट तक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपके पास डेट है 15 तारीख। आप 15 तारीख तक इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हो जो 10 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 15 के बाद से एक भी स्टूडेंट उस बैच में नहीं आ पाएगा, फिर GD वाले में आप आ पाओगे जो हम आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो बैच है, इस बैच को आप पढ़ के कोई भी SSC का एग्जाम दे पाओगे, इसमें वो कंटेंट होगा, क्योंकि GD वाले में फिर हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो अभी के बाद यहीं तक। सुल्तान को मोहब्बत नहीं बख्शी है तो मोहब्बत बख्श दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, थोड़ा लोगों तक पहुंचा दो। नहीं, इसका PDF नहीं मिलेगा, इसमें मैं क्या आपको PDF दे दूंगा बताओ। मैं तो पहले ही कह रहा था ना कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, लेकिन आपको तो कमेंट सेक्शन में दिलचस्पी है। कॉपी पेन लेके आप बैठते तो आपके नोट्स बन जाते। वेल, अभी भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठना, वीडियो को चलाना और सारी टाइमलाइन नोट कर लेना, नोट से अच्छा कुछ नहीं है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ, एग्जाम इंजन के अलावा जो पुराना चैनल है वहां पर भी डेली सुबह करंट अफेयर आता है, उस करंट अफेयर को आप लोग देखना मत भूला करो। जैसे कि अभी ऊपर दिख रहा था आज का करंट अफेयर है, आप इन करंट अफेयर्स को देखना मत भूला करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और अब मैंने न्यूज का तरीका अलग कर दिया है, और तरीका मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है, ऐसे पंखा रोटेट होता है और जिससे बिजली बनाने का कार्य करता है। देखिए, नेशनल न्यूज अब मैंने कर दी है, ठीक है, इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा गुजरात में, नेशनल न्यूज के बाद आप आगे जाओगे तो मैंने अलग अलग मतलब बांट दिया है, स्टेट की न्यूज अलग है। ये सारे गिफ्ट की नीलामी, इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज, अब मैंने बहुत अलग कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है, बहुत करंट अफेयर, अवार्ड एंड ऑनर्स,
मतलब एक बहुत ही अलग और बेहतरीन तरीके से, तो आप डेली इसका फायदा ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, आज की बात यहीं तक रहेगी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।